दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे जानवर है जिसे डिस्कवर किया गया है और कुछ ऐसे जीव है जो आज तक रहस्य बना हुआ है, जो कभी कभी ही लोगों को दिखते हैं और लोग उनके वीडियो बना लेते हैं। ना जाने ये जीव कैसे और कहां से आए हैं, तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमय जानवर के बारे में बताएंगे। जलपरी को देखे जाने का कथा अक्सर पानी के अंदर या बाहर होती है, पर इस फुटेज पर आप एक ऐसा जीव को पानी के अंदर तैरते हुए देख सकते हो जिसे मार्जिनल मीडिया यूट्यूब चैनल ने रिकॉर्ड किया है। और उन्होंने बताया, ऑस्ट्रेलिया के समुद्र के पानी में रहस्यमय जलपरी को तैरते हुए देखा गया। इसकी शारीरिक लंबाई 6 फीट थी और तैरने में ये इंसानों की तरह हाथ नहीं हिला रही थी। ये वीडियो रियल भी हो सकता है और ये बस कोई वायरल होने के लिए जलपरी के कपड़े पहन के घूम रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, समुद्र के अंदर मैगलॉन जैसी साल डूबी हुई ऐतिहासिक शहर और जलपरी के होने की बात कही जाती है। हालांकि इन रहस्यमय जीव को साबित करने के लिए आपको पूरी समुद्र के पानी को छानबीन करनी होगी। इस वायरल वीडियो को देखकर कई का मानना है ये ब्लैक आइस है, तो कईयों का मानना है ये गॉडज़िला है, तो किसी ने बताया ये समुद्र के मॉन्स्टर है। पर ये जीव क्या था जो आज तक रहस्य बना हुआ है? प्रकृति के खूबसूरत नजारा देखने के लिए लोग हाइकिंग पर निकलते हैं और इस सफर में अक्सर उन्हें कुछ जानवर के दर्शन हो जाते हैं। मगर इन दो दोस्तों को हाइकिंग करते समय कुछ ऐसा जानवर देखने को मिला जिसे देखकर उनका होश उड़ गए। उन्हें एक जानवर दिखाई दिया जिसका आकार बहुत लंबा था। वो सोच रहे थे कि इसकी लंबाई मापा जाए, मगर ऐसा करना नामुमकिन था क्योंकि वो जानवर बहुत ज्यादा लंबा था और बहुत ज्यादा अजीब भी था। यहाँ से जाते समय उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, इस डैम के पानी से दूर रहे। ये है एर्विन सैंडर्स, जो कि तमाम रहस्यमय जंगल को एक्सप्लोर करता है। जहाँ अजीब जानवर को देखे जाने का दावा किया गया है, वो ऐसी जगह को एक्सप्लोर करता है। ऐसे ही उन्होंने ऐसे जानवर को देखा जो धरती के नहीं लग रहा था। ये जीव वैसे तो अपने दो पैर पर चल रहा था, पर उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा था। तो आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये बस एडिटिंग के द्वारा ऐसा बनाया गया, ना कि ये वीडियो रियल है। नेशनल जियोग्राफी के एक सर्वे के मुताबिक अभी तक समंदर का 80% हिस्सा इंसानी नजरों से दूर है। हम नहीं जानते कि वहाँ किस प्रकार के जीव हो सकते हैं। ऐसा ही एक जीव ब्राजील के इस शख्स के बोट के पीछे पड़ गया था। वैसे तो रात के अंधेरे में ये जीप ठीक से नहीं दिख रही थी, पर उसके चमकदार आंखें और तैरने की स्पीड बता रही है कि ये कोई साधारण जानवर नहीं था। ब्राजील में ये वीडियो वायरल होने के बाद किसी का कहना है ये बस एक साधारण डॉल्फिन है, तो किसी का मानना है ये एक ऐसा जानवर है जो आज तक इंसानों ने डिस्कवर नहीं कर पाए। NDTV ने इस वीडियो को लोड किया जिसमें दोस्तों का समूह अंधेरी रात में जंगल जा रहा है। यह अचानक उन्हें स्किनवॉकर नामक एक जीव देखने को मिलता है जो कि काफी डरावनी थी, जो कि देखते ही देखते उनके नजरों के सामने गायब हो जाती है। पैरानॉइड नॉर्मल नामक इस इंस्टा अकाउंट ने इस वीडियो को शेयर किया। बताया गया, रास्ते से गुजरने वाले लोगों को बच्चे के रोने का आवाज सुनाई दिया तो वो रुक गए। ये आवाज इन झाड़ियों से आ रही थी। लोगों को लगा शायद किसी जानवर ने किसी बच्चे को पकड़ लिया, पर एक ऐसा जानवर इन झाड़ियों में से निकलता है जिसे देखकर लोग पीछे हट जाते हैं।
ये एक अजीब जानवर है जो बच्चे के रोने के जैसे आवाज निकाल रही थी, पर वो जानवर चार पैरों पर चल रही थी। तो दोस्तों आप हमें बताएं, ये ऐसा जानवर है जो आज तक क्या डिस्कवर नहीं किया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। जब हम वीडियो डालें तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।